स्टूडेंट सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएसटी इंडिया से मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल है ना, और मुगलों में हम लोगों को पढ़ना है जहांगीर। जहांगीर इसका टाइम था 1605 से 1627। अब जहांगीर के पहले आया था अकबर, और सबसे पहले आया था बाबर, के बाद हुमायूं, के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां। अब देखो अकबर और हुमायूं और अकबर के बीच में एक सूरी शासक था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। उसने भी शासन किया था 1540 से लेकर 1545 तक। वह एक अफगान शासक था, ठीक है, जिसके बचपन का नाम फरीद था। अब देखो जहांगीर के बारे में हमने आपको कल पार्ट वन कल करा दिया था, ये जहांगीर का पार्ट टू है। कल हमने छोटे छोटे फैक्ट कराए थे कि जहांगीर का ये बचपन का नाम सलीम था, बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। ये अकबर का पुत्र था और बचपन का नाम सलीम था। अकबर ने अपने गुरु के नाम पर रखा था, अपने गुरु के नाम पर सलीम नाम रखा था, ठीक है, क्योंकि अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती थे, तो उन्हीं सलीम के नाम पर इसका नाम सलीम रखा था। इसकी दो शादियां हुई थी, ठीक है, एक मानबाई के साथ और एक जोधाबाई के साथ। मानबाई व जोधाबाई से शादी हुई, ठीक है। ये जो मानबाई थी ये मान सिंह की बहन थी, है ना, और ये मेवाड़ के राजा की पुत्री थी जोधाबाई। ये किससे थी? मेवाड़ के। और ये किससे? मान सिंह की बहन। ये मेवात, ये मेवाड़, ठीक है, ये मेवात और ये मेवाड़। तो मानबाई जो थी वो मान सिंह की बहन थी और जोधाबाई थी, जोधाबाई वो मेवाड़ के राजा की पुत्री थी, ठीक है। मानबाई से इसको खुर्रम, मानबाई से इसका उससे शुरू कर दिया गया। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। ठीक है, आगे खुसरो का जन्म हुआ। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि खुसरो को जो गुरु अर्जुन देव और मान सिंह ने मिलकर इसके खिलाफ भड़का दिया था, तो और इसने जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी और लाहौर में इनकी एक कब्र बना दी, मतलब लाहौर में इनका एक मकबरा टाइप का बना दिया था। इसके बाद क्या खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, तो किसकी सलाह पर किया था? मान सिंह की सलाह पर और गुरु अर्जुन देव की। तो इस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई? तो जहांगीर ने, ठीक है। इसके बाद 1615 में इसकी एक संधि हुई थी, ठीक है। 1600 इसके इसने बहुत सारे सैनिक अभियान चलाए थे, है ना, विद्रोह कराए थे, जैसे 1608 में महावत खान, 1609 में अब्दुल्ला खान था, 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजे इसने, ठीक है, और आखिरी में 1615 में इसकी एक संधि होती है। कल हमने यहां तक आपको बता दिया था कि 1615 में जहांगीर की एक संधि होती है, किससे? जहांगीर की एक संधि होती है अमर सिंह से, जहांगीर और अमर सिंह से एक संधि होती है, जिस संधि के तहत दोनों में शांति समझौता होता है। इसके बाद इनकी आती है जहांगीर के दक्षिण विजय, ठीक है। अब दक्षिण विजय के लिए जहांगीर ने क्या क्या किया था? देखो दक्षिण विजय में जहांगीर का जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो अहमदनगर था,
अहमदनगर का जो शासक था मलिक अंबर, अहमदनगर का जो शासक था मलिक अंबर वो जहांगीर की दक्षिण विजय में सबसे बड़ा रोड़ा बन के सामने आया था। जो जब जहांगीर की दक्षिण विजय चल रही थी तो उस समय इसका शासक अहमदनगर, हमने आपको बताया था बरार, बीदर, बीजापुर, गोरखुंडा और अहमदनगर, ये जो रियासतें थी ये दक्षिण भारत में मतलब उभर कर सामने आई। और जो अहमदनगर का शासक था मलिक अंबर ये सबसे बड़ा रोड़ा बन के सामने आया जहांगीर के। तो जहांगीर ने पहले इसको हटाने के लिए एक मतलब योजना बनाई, ठीक है। ये जो मलिक अंबर था ये अभी सिमियाई का एक दास था। जो मलिक अंबर असी बिनियाई एक दास था। मलिक अंबर कौन था? एक असी बिनियाई एक दास था, ठीक है। मलिक अंबर असी बिनियाई एक दास था। इसको क्या किया था, इसको काजम ख्वाजा ने बगदाद से खरीदा था। इसे काजम ख्वाजा ने बगदाद से खरीदा था। मतलब ये जो मलिक अंबर था ये असी बिनियाई दास था, जो बोलते हैं ट्रांसक्शियन। इसको कासिम ख्वाजा ने कहां से खरीदा था? बगदाद से, ठीक है। बगदाद से खरीदा और किसको बेचा? निजाम साहब को। बगदाद से खरीदा और निजाम साहब को बेच दिया। ठीक है। तो अब देखो यहां से जो दक्षिण विजय चालू होती है, दक्षिण विजय जो भी दिल्ली सल्तनत के राजा थे या मुगल के राजा, सभी का एक मेन ध्येय था दक्षिण विजय। दक्षिण विजय मेन ध्येय क्यों था? क्योंकि देखो दक्षिण में जो अभी भी आप लोग जानते हो कि गंगा, कृष्णा, गोदावरी जो नदियां हैं उनका जो इलाका है वो बहुत उपजाऊ इलाका था, ठीक है। और भाई उपजाऊ इलाका है, उपजाऊ खेती है, तो उस खेती पर जिसका या जमीन पर जिसका आधिपत्य होगा वही उससे टैक्स लेगा। तो जितना भी दक्षिण था, तो ये जितने सारे राजा हुए हैं, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ हो, है ना, चाहे वो इल्तुतमिश हुआ हो, चाहे वो अकबर हुआ हो, चाहे वो बाबर, चाहे वो हुमायूं, जो भी राजा था, इवन यहां तक जहांगीर भी, ठीक है, जितने भी राजा थे। और सबसे ज्यादा जो दक्षिण भारत के लिए गया था वो अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन के बाद गयासुद्दीन तुगलक। हमने आपको तुगलक वंश से बताया था कि आप लोग नहीं तुगलक में जब तुगलक सुना था, जो जब तुगलक वंश पढ़ा रहे थे हम, तो हमने आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक था वो एकमात्र ऐसा शासक था जिसने पूरे दक्षिण को अपने आधिपत्य में ले लिया था। और किसके नेतृत्व में? खुसरो खां, मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो लड़का था, गयासुद्दीन का एक लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत भेजा था। किस लिए? दक्षिण भारत के विजय के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ला दिया था। और उसके बाद भाई क्या शासन चलता गया और दक्षिण भारत धीरे धीरे अलग होता गया। अब एक बार ऐसा है कि दक्षिण भारत खुद में एक बड़ा साम्राज्य बन गया, है ना, विजयनगर साम्राज्य और बैमनी साम्राज्य। पढ़ाया था हमने विजयनगर साम्राज्य हसन गंगू और विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का, पता है ना हरिहर और बुक्का और विजय बैमनी साम्राज्य। तो ये दोनों साम्राज्य अलग अलग चलने लगा, फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये सारे साम्राज्य बने थे। उसके बाद क्या हुआ, जब उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई तो वो दोनों आपस में लड़कर विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। फिर वो धीरे धीरे वो छोटी छोटी रियासतें बनती चली गई, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, है ना, तो ये सारी चीजें बन गया। अब देखो जब जहांगीर आया, टाइम चेंज होता चला गया, सारे शासक बदलते चले गए, सारे सुल्तान बदलते चले गए, लेकिन जब जहांगीर का नंबर आया तो जहांगीर ने भी वही काम किया जो उसके पूर्वज करते आ रहे थे, दक्षिण विजय। लेकिन जहांगीर की दक्षिण विजय के लिए सबसे बड़ा मोड़ा ये बनता था मलिक अंबर। अब ये मलिक अंबर था कौन? ये मलिक अंबर एक असी बिनियाई का एक दास था। अशी बिनिया का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना कानपुर, अपना कानपुर कल्याणपुर है, यहाँ लेबर मंडी लगती है। आपको अगर लेबर लेना हो तो वहां चले जाओ, आपको लेबर मिल जाएंगे और लेके आ जाओ, दिहाड़ी दे दो, चले जाएंगे। उसी तरह असी बिनिया भी एक साम्राज्य था, देश था जहां पे ये रहने वाला था।
और एक जगह थी गजनी, ट्रांस अक्षियान गजनी, यहाँ पे क्या दे रहे भाई, हम लोग लेबर लेने जाते हैं यहाँ पे, ये सैनिक लेने जाते थे भाई, जिसको सैनिक की जरूरत हुई वहां चला गया, पैसे दिया, सैनिक बनाया, चला आया, अपनी सेना में भर्ती कर लिया। तो ऐसे ही मलिक अंबर को किसने खरीदा था? काजिम ख्वाजा ने, काजिम ख्वाजा ने। अब कुछ ऐसे इनको एक एक तरह से आप दलाल टाइप में बोल सकते हो, ये ऐसे व्यक्ति थे कि वहां से आदमी लाते थे और यहाँ बेच देते थे, और बीच में वहां से कम मिला है ज्यादा मिले, बीच में मिशन अपना ले लिया, ठीक है। कासिम ख्वाजा ने इसको बगदाद से खरीदा था और बेचा किसको था? निजाम साहब को, ठीक है। मलिक अंबर को अशिबिनियाई दास था, इसको खरीदा कासिम ख्वाजा ने, कहां से खरीदा? बगदाद से। किसको बेचा? निजाम साहब। जब निजाम साहब को बेचा तो इसको निजाम साहब ने अपनी सेना में भर्ती किया, और अपनी सेना में भर्ती करने के बाद अहमदनगर का शासक बना दिया। अब जब ये अहमदनगर का शासक बन गया, तब जब जहांगीर ने दक्षिण भारत विजय के लिए दक्षिण पर आक्रमण किया, तो ये खड़ा हो गया सामने। अब जब ये खड़ा हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, अहमदनगर दरबार में मलिक अंबर का एक सेनापति था। अब देखो इसकी भी एक भाई, जब अहमदनगर ये शासक है तो इसकी भी सेना होगी, ठीक है, और इसकी सेना में एक व्यक्ति था मलिक राजू, मलिक राजू, मलिक अंबर का सेनापति था, ठीक है। मलिक राजू कौन था? मलिक अंबर का सेनापति। मलिक राजू जो था वो मलिक अंबर का सेनापति था। मलिक राजू इसका सेनापति था, ठीक है। अब जब ये इसका सेनापति था तो क्या हुआ, जहांगीर ने अनेक अभियानों के बाद 1617 में, जब ये जहांगीर जब बहुत बार अभियान चला चुका दक्षिण में, ये नहीं जीता, तो जहांगीर का एक था खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम को अहमदनगर के लिए भेजा, ठीक है, खुर्रम को अहमदनगर के लिए भेजा। समझे? हाँ, देखो अभी क्या हुआ, जहांगीर ने मलिक अंबर के अगेंस्ट बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए, ठीक है, बहुत सारे जब सैन्य अभियान चलाए तो वो फेल हो गया, मतलब सेना इसके सामने आए ये हरा दे चली जाए, जब बहुत सारे हो गए तो लास्ट में क्या हुआ, खुर्रम, खुर्रम कौन था? आपने साजा का नाम सुना है, बाबर का बेटा, हुमायूं का, अकबर, अकबर का, जहांगीर, जहांगीर का साजा, साजा का औरंगजेब, ये सीरीज सुनी है? तो खुर्रम साजा का ही नाम था। हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं, आपका भी हाई स्कूल मार्कशीट में अलग लिखा होगा, घर में अलग बुलाते होंगे, है ना, दो नाम हो गए। तो खुर्रम इसका प्यार का नाम था शाहजहां के, ठीक है, और जो मार्कशीट वाला नाम था वो शाहजहां था, ठीक है। तो खुर्रम अपने पुत्र खुर्रम को कहां भेजा? इसके सामने। अब देखो खुर्रम को जब भेजा गया तो खुर्रम ये मुगलों की तरफ से गया था, क्योंकि जहांगीर का पुत्र था, तो इसने सोचा कि यार हमारी सेना 7-8 बार पहले आ चुकी है, तो क्या गारंटी है कि अब फिर दोबारा जीत रहे। तो इसने क्या किया, इसने बहुत एक कूटनीति चली। कूटनीति का मतलब समझते बेटा, कूटनीति और राजनीति में क्या अंतर होता है? कूटनीति का मतलब होता है हम तुम्हारे साथ बैठ के और तुम्हारी थाली में छेद कर दें, ठीक है, और राजनीति का मतलब डायरेक्टली तुम्हारे सामने पहुंच जाए, और कूटनीति का मतलब ये होता है कि तुम्हारा हम विरोध भी ना करें और तुम्हारा हम अच्छे से वाट भी लगा दें, ठीक है, ये कूटनीति होती है। तो खुर्रम ने कूटनीति के लिए, खुर्रम अहमदनगर नहीं पहुंचा, यहां से बोला कि हम जा रहे हैं अहमदनगर को जीतने, और ये पहुंचा पांडू, पांडू, ठीक है। पांडू क्या थी, अहमदनगर की छोटी रियासत थी, है ना, जैसे भाई एक कानपुर है, कानपुर कल्याणपुर, छोटी छोटा छोटी रियासत है। तो ये क्या हुआ, जो ये खुर्रम था ये पांडू पहुंच गया। अब जब पांडू पहुंचा तब इसने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इसने बीजापुर को बुलाया, बीजापुर, बीजापुर ना, बीजापुर में एक दूसरी रियासत थी, हमने बताया था बरार, बीदर, बीजापुर, गोरगुंडा, अहमदनगर, 4 से 5 रियासतें थी जो बड़ी बड़ी रियासतें वहां की थी, और ये पांडू गए छोटे छोटे उनके रियासतों के अंतर्गत गांव, जैसे ग्राम पंचायत में एक बड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 10-15 गांव आ जाते हैं, तो यही मान लो कि अहमदनगर एक बड़ी ग्राम पंचायत है और पांडू उसका एक छोटा सा गांव है।
ठीक है। तो ऐसे ही बीजापुर भी एक बड़ी रियासत थी। तो इसने क्या किया, खुर्रम ने बीजापुर को, बीजापुर के शासक को बुलाया। अब बीजापुर के शासक बुलाया, बोला भैया हमारी इनसे लड़ाई है और ऐसा करो तुम बिजवानी बन जाओ और वहां समझौता करा दो। तो बोला ठीक है हम करा देंगे। तो क्या हुआ, बीजापुर की मध्यस्थता में खुर्रम और मलिक अंबर के बीच एक संधि होती है। ठीक है, संधि का मतलब समझते हो, मिलान, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो आदमियों के मेल को संधि कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, खुर्रम व मलिक अंबर के बीच क्या होती है, संधि, मलिक अंबर के बीच एक संधि होती है। कराता कौन है, बीजापुर, बीजापुर का जो शासक था वो संधि कराता है। ठीक है, आप देखो संधि हो गई किसके बीच में, मुगलों और अहमदनगर के बीच में, मुगलों व अहमदनगर के बीच संधि हुई। ठीक है, देखो संधि हो गई। अब जैसे ही संधि हुई, कराई किसने दी, बीजापुर के शासक ने। तो जैसे ही भाई यहां संधि हुई, पता किसको चला, दिल्ली में, दिल्ली में जो कौन बैठा था, जहांगीर बैठा ना। देखो बेटा ये दिल्ली है ना, और यहां शासन कौन कर रहा है, जहांगीर। ठीक है, और ये मान लो है दक्षिण, दक्षिण भारत है ना, और दक्षिण भारत में कौन आया है, खुर्रम, खुर्रम आया है। खुर्रम कौन है, जहांगीर का पुत्र, जहांगीर का पुत्र खुर्रम है। और दक्षिण भारत क्यों आया है, वो अहमदनगर जीतने, ठीक है, अहमदनगर जीतने आया है। लेकिन अहमदनगर जीतने के पहले वो हार चुका है, तो इसलिए बीजापुर के ज्यादा से इसके संधि कर लेता है। और जैसे ही यहां संधि हुई, तो यहां बात पता चलेगी ना कि भाई जो खुर्रम भैया था वो उसने संधि कर ली है। तो क्या किया जहांगीर ने, अब यहां ध्यान सुनना बेटा, जहांगीर ने खुर्रम को, अब भाई पता चला कि खुर्रम ने संधि कर ली, जीत लिया, तो जहांगीर ने खुर्रम को क्या किया, शाहजहां की उपाधि दी, शाहजहां की उपाधि दी। ये बात समझ में आई, उपाधि दी। जैसे तुम दंगल लड़ने जाओ, तुम्हारे पापा सामने खड़े हो है ना, तुम पहलवान को पटक कर शाहबाज मेरे शेर ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या उपाधि दी तुमको, शेर की, शेर की उपाधि दी ना। तो ऐसे ही जहांगीर था, जब साजिश ने संधि कर ली, तो जहांगीर ने खुर्रम को क्या क्या उपाधि दी, शाहजहां की। लेकिन आपने बेटा शाहजहां का नाम सुना होगा है ना, शाहजहां का नाम वो गाना है ना, मैं मुमताज हूं तेरे पगों की है ना, तू मेरा शाहजहां, तो वही शाहजहां है, ये वही वाला शाहजहां है। लेकिन शाहजहां का एक्चुअली नाम क्या था, खुर्रम। और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, कब दी, अहमदनगर की संधि पर। सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा, कब दी गई, जब उसने अहमदनगर से संधि कर ली। अब इसके बाद देखो क्या होता है, आता है 1617 में क्या हुआ, खुर्रम ने अब देखो जब खत्म हो गया, तो 1621 में जहांगीर ने दक्षिण भारत का अभियान बंद किया, दक्षिण भारत का अभियान बंद किया। ठीक है, जब ये सब कुछ हो गया, तो 1621 में उसने दक्षिण भारत के अभियान को ही बंद कर दिया कि भाई चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब यहां मलिक अंबर था, मलिक अंबर, अब देखो जो दिल्ली में एक व्यक्ति था टोडरमल, नाम सुना है, टोडरमल की दशमाला प्रणाली को, प्रणाली को मलिक अंबर ने लागू किया, मलिक अंबर ने लागू किया। अब देखो बेटा इधर क्या हुआ, टोडरमल, टोडरमल था वो अकबर का वित्त मंत्री था, इसके पहले बेटा अकबर पढ़ चुके हैं, तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था और इसने एक दशमाला प्रणाली शुरू की थी। कौन प्रणाली शुरू की थी, दशमाला प्रणाली, ठीक है।
ये बेटा इसको हम लोग भू राजस्व प्रणाली भी बोलते हैं, दशमलव प्रणाली को भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली। आप समझ में आया? भू राजस्व, भू मतलब जमीन, राजस्व मतलब टैक्स, मतलब जो जमीन का टैक्स। अभी आप लोग देखो ना हाउस टैक्स है ना, वो देखते हो खेती वाला अमीन लेने आता है वो, है ना, तो वो वही भू राजस्व प्रणाली है। तो देखो बेटा, जब यहां शाहजहां और अहमदनगर की संधि हुई, तो संधि होने का मतलब दोस्त, तो ये क्या हुआ, मलिक अंबर दिल्ली घूमने आया है ना, और जब दिल्ली घूमने आया तो उसने भू राजस्व प्रणाली देखी। भू राजस्व प्रणाली का मतलब भाई तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, उसको दिखाते हो ये खेत है, ये घर है, ये वो है। तो जब मलिक अंबर यहाँ गया तो दिख दिखा के, भाई देखो ये सारा अपना ही है सिस्टम है, ऐसे वो करते हैं। तो जो भू राजस्व प्रणाली थी वो मलिक अंबर को बहुत अच्छी लगी, तो मलिक अंबर ने भू राजस्व प्रणाली को अपनाया। ये भू राजस्व प्रणाली बनाई किसने थी? टोडर मल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों की भू राजस्व प्रणाली को किसने बनाया था? टोडर मल ने, ठीक है, और उसी को अहमदनगर के शासन ने लिया था। और इसमें क्या था लागू किया, 1/3 भाग लिया जाता था, 1/3 भाग लिया जाता था। जैसे 3 कुंटल की हूं तुम्हारे भाग, 1 कुंटल की ओले नहीं है, 1/3 का मतलब क्या होता है, जैसे 3 कुंटल हुआ तो 1 कुंटल ये टोटल मल वगैरह का मतलब जहां भी ले लेगा 2 कुंटल तुमको दिया जाएगा। तिहाई वाली कहते हैं ना, तिहाई वाली बटाई वाली है ना, बटाई प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो 1/3 भाग इसने लिया था। अब इसके बाद क्या होता बेटा, अब देखो इसके पहले मलिक अंबर की जब मुगलों से लड़ाई हुई थी, जब 7 बार हारे थे मुगल, उसके बाद खुर्रम को भेजा था ना, तो मलिक अंबर ने उसके मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला टेक्निक अपनाई थी। गोरिल्ला टेक्निक समझते हो? गोरिल्ला वार नहीं समझे, समझते हो? कमांडो पिक्चर देखिए, विद्युत जामन देखिए, चलो ठीक है, आप लोग याद रखना गोरिल्ला टेक्निक, गोरिल्ला, गोरिल्ला पद्धति को मलिक अंबर ने अपनाया था। गोरिल्ला पद्धति को मलिक अंबर ने अपनाया था, ठीक है। लेकिन इस पद्धति की शुरुआत, इस पद्धति की शुरुआत मराठाओं ने की थी, इस पद्धति की शुरुआत मराठाओं ने की थी, मराठाओं ने की थी। इसके बाद देखो इसमें क्या होता, जहांगीर के शासन में, ठीक है, देखो आप जहांगीर के शासन में, जहांगीर के शासन में 1622 में कंधार को, 1622 में कंधार को फारसी शासक शाह ने छीन लिया, फारसी शासक शाह ने छीन लिया। ठीक है, जो फारसी शासक था शाह, उसने छीन लिया, ठीक है। अब 1623 में शाहजहां के विद्रोह को, शाहजहां के विद्रोह को महावत खान द्वारा दबाया गया, महावत खान द्वारा दबाया गया। देखो 1623 में जो खुर्रम था उसको शाहजहां की उपाधि मिली थी, तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया, किसका? जहांगीर का। तो इसके विरोध को दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा? महावत खान, ठीक है, महावत खान को भेजा गया, महावत खान को भेजा गया। तो 1627 में इसकी मृत्यु हो गई,
1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, इसे रावी नदी के किनारे दफनाया गया साहदरा नामक स्थान पर, साहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे। रावी नदी किनारे दफनाया गया, शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी किनारे दफनाया गया। ये कब इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1627 में। अब देखो इससे कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। क्या था? इसने रक्षाबंधन मनाया था, लिखो, इसने रक्षाबंधन मनाया था। ठीक है, एकमात्र शासक था जिसने रक्षाबंधन मनाया था, जहांगीर। ठीक है, इसके बाद देखो दिवाली के दिन जुआ खेलने की अनुमति दी। दिवाली के दिन जुआ खेलने की अनुमति दी। ठीक है, देखो गौ हत्या का विरोध किया, गौ हत्या का विरोध किया और ब्राह्मणों को पुजारी बनाया, ब्राह्मणों को पुजारी बनाया। एक देखो श्रीकांत नामक हिंदू को, श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज बनाया, हिंदुओं का जज बनाया। एक श्रीकांत नामक व्यक्ति था, इसने उसे हिंदुओं का जज बनाया। कंछेदन की प्रणाली शुरू की, कंछेदन की प्रथा शुरू की, कंछेदन की प्रथा शुरू की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसने मराठों से अच्छे संबंध बनाए, मराठों से अच्छे संबंध बनाए। मराठों से अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, ठीक है, सब लिखो। ये शराब पीता था, यह शराब पीता था, ठीक है, इसके समय में पिता के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ, पिता के समय विद्रोह शुरू हुआ, पिता के सामने विद्रोह शुरू किया। इसने अनारकली के लिए मकबरा बनवाया, अनारकली के लिए मकबरा बनवाया। अरे वो देखा ना, जैसे मुमताज के लिए शाहजहां प्रसिद्ध है ना, और ठीक है, मुमताज के लिए शाहजहां प्रसिद्ध है, और वैसे ही अनारकली के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता कि अनारकली का मकबरा किसने बना था ना, अनारकली डिस्को चली है ना, तो वही अनारकली है, वही वाली, तो अनारकली किससे संबंधित है, जहांगीर से। अनारकली का मकबरा किसने बनाया था?
जहांगीर ने, याद रखे ठीक है, अनारकली का मकबरा बनवाया था। और देखो इसने मकबरा तो बनवाया ही था, मकबरा बनवाने के बाद इसने एक बात कही थी, क्या कही थी पता है आपको? इसने बात कही थी कि हम यदि हम अपनी अनारकली का चेहरा दोबारा देख पाते, यदि हम अपनी अनारकली का चेहरा दोबारा देख पाते तो अल्लाह का शुक्रगुजार होते, तो अल्लाह का शुक्रगुजार होते। इसका मतलब यह है कि अनारकली का चेहरा इसने दोबारा नहीं देखा था, जहांगीर ने जो भी कंडीशन हुई हो उसके लिए, जब इसने मकबरा बनवाया है ना, मकबरा, मकबरा का मतलब टॉम में मस्जिद टाइप में, जैसे आप देखते हो ना मस्जिद वो कब्र बनी होती है तो कब्र पर मकबरा बन जाता है, तो कब्र के ऊपर जो अच्छी सीमेंट उसी को मकबरा बोलते हैं हम लोग, है ना। तो मकबरे पे उसने लिखवाया था कि अगर अनारकली का चेहरा हम दोबारा देख पाते तो अल्लाह का हम शुक्रगुजार होते, है ना, ऐसा कुछ वो करते हैं। तो आपको याद सिर्फ ये रखना है कि अनारकली किससे संबंधित थी, जहांगीर से, ठीक है। इसके बाद लिखो, इसके समय में कैप्टन हॉकिंस थॉमस रो भारत आए थे, कैप्टन हॉकिंस थॉमस रो भारत आए थे, इसके समय में कैप्टन हॉकिंस थॉमस रो भारत आए थे, ठीक है। लिखो इसका विवाह नूर जहां से भी हुआ था। देखो नूर जहां के बारे में कुछ पता तुमको? नहीं पता है। नूर जहां अली कुली बेग, एक व्यक्ति था अली कुली बेग, ये एक व्यक्ति था, ठीक है, जो अफगान शेर के नाम से प्रसिद्ध था, शेर अफगान बोला जाता, अली कुली बेग को क्या बोलते थे हम लोग, शेर अफगान। एक अली कुली बेग था जिसको हम लोग शेर अफगान के नाम से, हम लोग क्या उस समय शेर अफगान के नाम से जाना जाता था। तो अली कुली बेग जहां है ना नूर जहां, ये अली कुली बेग की पत्नी थी, और अली कुली बेग शेर अफगान के नाम से जाना जाता था क्योंकि एक शेर को हरा देता था, जो अफगान था ये शेर को हरा देता था, इसलिए शेर अफगान बोला जाता था। आपने एक अफगान का नाम सुनोगा शेर शाह सूरी, है ना, उसको तुम, उसका बचपन का नाम क्या था, फरीद, उसके बचपन का नाम फरीद था, लेकिन फरीद से वो शेर शाह कैसे बना पता है आपको? वो एक बिहार के सूबेदार थे बदक्स खान, ठीक है, बिहार के सूबेदार थे जलाल खान के पिता थे, है ना, तो उनके सामने उसने एक शेर को हरा दिया था, ठीक है, जैसे उसने शेर को हराया था उसका नाम फरीद से क्या कर दिया गया, शेर शाह। उसी तरह से अली कुली बेग ने भी शेर को हराया था, भाई शेर को हराना तो छोटी बात है क्या, इसीलिए उसको शेर अफगान बोला गया। तो अब भाई जो व्यक्ति शेर को हरा रहा है तो क्या आम आदमी उसको हरा सकता है? नहीं हरा सकता। तो अली कुली बेग की पत्नी थी नूर जहां इतनी खूबसूरत थी कि इसको देखने के बाद आदमी अपने आप को भूल जाता था, ठीक है, और वो पत्नी थी अली कुली बेग की। जैसे ही जहांगीर ने नूर जहां को देखा तो भाई जहांगीर ने सोचा ये हमको मिल जाए, ठीक, इससे हम शादी कर लें। जबकि याद रखना जहांगीर की पहले से दो बीवियां थी, कौन थी, एक थी मानबाई, एक थी जोधाबाई, समझो भैया, बेटा समझ रहे हो जी, जहांगीर आदमी एक है, पहले से इसकी दो दो बीवियां हैं, ठीक है, दो बीवियां इसकी पहले से ही है, फिर भी ये तीसरे पर निगाह फेंक रहा है, ठीक है ना। अब देखो नूर जहां इसको कैसे मिले, भाई नूर जहां का जो आदमी है वो अभी यार शेर अफगान है, इतना शक्तिशाली आदमी कैसे ले लोगे उसकी बीवी को। तो क्या किया जहांगीर ने, अली कुली बेग को मरवा दिया,
ठीक है, जहांगीर ने अली कुली बेग को मरवा दिया। जब इसको मरवा दिया तो नूर जहां के लिए हो गई भाई, जाहिर सी बात है इसके साथ जाएगी, कहां जाएगी फिर, उसको मरवाने के बाद इससे शादी कर ली। तो अब जहांगीर कितनी बीवियां हो गई, तीन, ठीक है। तो जहांगीर कितनी बीवियां थी, तीन, मान भाई, जोधा भाई और नूर जहां, ठीक है। इसके बाद एक आता है अब देखो, जो जहांगीर से एक पुत्री का जन्म होता है, जहांगीर और नूर जहां से, जिसका विवाह किसके साथ होता है, शहरयार के साथ, जिसका विवाह शहरयार के साथ होता है। लिखो, नूर जहां व जहांगीर, नूर जहां व जहांगीर से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका विवाह शहरयार से होगा, जिसका विवाह शहरयार से हुआ, ठीक है। लिखो, नूर जहां जहांगीर से झरोखा दर्शन देखती थी, झरोखा दर्शन देखती थी, झरोखा दर्शन देती थी, झरोखा दर्शन देती थी, हाँ झरोखा दर्शन नहीं जानते हो, अरे अरे पद्मावती मूवी देखी है जी, अरे देखो पद्मावती जब अलाउद्दीन खिलजी को कैसे सीरा दिखाती है, अपना बैठी मोती बिरवा एक शीशा सामने दिखता है, शीशे से एक प्रतिबिंब बनता है तब वो उसको दिखाई देता है। मतलब जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे सामने एक शीशा लगा दो, हमारा चेहरा शीशे में दिखेगा, फिर शीशे से एक प्रतिबिंब इधर भी शीशा लगा दो तो वो इसमें दिखेगा और फिर ये तुमको सामने दिखेगा, मतलब तुम इधर देखोगे प्रतिबिंब उधर बनेगा और हम इधर खड़े हैं, समझ रहे हो ना, ऐसा झरोखा दर्शन होता है। इसके बाद लिखो लास्ट है, नूर जहां की मां अस्मत बेगम, नूर जहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की पद्धति शुरू की, इत्र बनाने की पद्धति शुरू की, नूर जहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की पद्धति शुरू की। देखो नूर जहां की मृत्यु 1645 में, नूर जहां की मृत्यु 1645 में लाहौर में हुई, लाहौर में हुई, ठीक है। यही तुम्हारा जहांगीर खत्म हो जाता है, ठीक है, जहांगीर खत्म हो जाता है। नूर जहां की मृत्यु कब हुई थी बेटा, 1645, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627। अब जहांगीर के बाद नंबर, जब जहांगीर खत्म हो गया तो किसका नंबर आएगा, शाहजहां का, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, तो तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शाहजहां को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।